मुझे भी गेहूँ पीसना है। जो लोग गेहूँ पिसवाने आएंगे उनसे हम कह देंगे अपने नाम के साथ साथ तुम्हारा और हमारा नाम भी लिख दे, जिससे वो पिसवाना चाहते हो। दोस्त, आप सभी के लिए फिर से मैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सीरीज लेके आ चुका हूँ जिनमें क्या कोई 80 प्लस का कंटेंट भर भर के देखने को मिल जाता है। सभी सीरीज काफी टॉप लेवल की है और मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद सभी सीरीज को एंजॉय कर लीजिए। वेल, अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक शेयर कर देना, जिससे हमें काफी हेल्प मिल जाएगी ऐसे कंटेंट बनाने में। पर 5 साल 2020 में सीरीज जिसका नाम है दमयंती, सीरीज में स्टोरी देखने को मिलती है एक हाउसवाइफ की जो कि एक मिस्टीरियस केस को सॉल्व करने में लगी हुई है, क्योंकि वो मिस्टीरियस केस काफी सारे लोगों को हिला के रख दिया। अब क्या वो सॉल्व कर पाती है उस केस को या फिर नहीं, वह आपको सीरीज का प्लॉट देखने को मिल जाता है। सीरीज काफी सारी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद भी आने वाली है। नंबर 4 पे 4.6 IMDb रेटिंग साथ हिडन मिरर, इस सीरीज में स्टोरी देखने को मिलती है एक लड़की की जो कि NRI लड़की है और वो बाहर कंट्री से इंडिया आई है घूमने, लेकिन घूमने के साथ उसकी कुछ ऐसी MMS लीक होना स्टार्ट हो जाती है जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसा देती है। अब वो MMS कहाँ से लीक होती है और कौन लोग उसको लीक करते हैं, आपको सीरीज में देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट सीरीज आपको क्राइम ड्रामा के ऊपर देखने को मिल जाती है। नंबर 3 पे हाल ही में एक सीरीज जिसका नाम है ब्लैक डायमंड, सीरीज में स्टोरी देखने को मिलती है एक डायमंड की जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस होता है और काफ़ी सारे लोग उस डायमंड को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन वो डायमंड किन लोगों को मिलता है वही आपको सीरीज का प्लॉट देखने को मिल जाता है। सीरीज में आपको इंटेंस ड्रामा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और सीरीज को IMDb ने 6.7 की रेटिंग दी है। नंबर 2 पे सलून दी पेरिस, सीरीज को IMDb ने 5.6 की रेटिंग दी है। सीरीज में स्टोरी देखने को मिलती है एक लड़की की जो कि अचानक से एक लड़की घर पे चला जाता है रात के 10 बजे और उसके हस्बैंड से बातें करना स्टार्ट कर देता है और उसको बताता है कि मैं इस लड़की का बॉयफ्रेंड हूँ जो कि पास्ट में रह चुका हूँ। अब उसका हस्बैंड कैसे उस सिचुएशन को मैनेज करता है वही आपको सीरीज का प्लॉट देखने को मिल जाएगा। सीरीज काफ़ी ज़्यादा यूनिक है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। नंबर 1 पे हाल ही में इस सीरीज जिसका नाम है हेलो मिनी सीजन 3, इसका कुल 3 सीजन देखने को मिलते हैं और तीनों सीजन की जो स्टोरी लाइन है आपको सिमिलर देखने को मिलती है और एक के बाद एक सीजन अगर आप देखना पसंद करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली ये सीरीज। अब बेसिकली इसमें एक लड़की की स्टोरी दिखाई जाती है जो कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में फंसती जाती है और वो किस टाइप की प्रॉब्लम्स में फंसती है वही आपको सीरीज का प्लॉट देखने को मिल जाता है।